डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम फर्स्ट सीरीज़ के जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। ज़रा बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट 21 to 30 एटॉमिक नंबर हर बच्चे को लर्न होना चाहिए विद सिंबल। तो देखिएगा, पहले आप लाइन में आपको बता रही हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुजन, फेयर कॉपी निकुजन, ये मैंने आपका लिखा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुजन। तो देखिएगा बेटा, साइंस फॉर स्कैंडियम, टीचर फॉर टाइटेनियम, वी फॉर वेनेडियम क्रोमियम, ये आपका मैग्नीज, और ये आपका फेयर से आपका एफी, कॉपी से आपका आ गया कोबाल्ट, निकुजन NiCu देन Zn। तो ये आपके बन गए बेटा टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 21 to 30। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 21, टाइटेनियम 22, 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज आपका 25, आपका आयरन का 26, आपका कोबाल्ट का 27, निकिल का आपका 28, कॉपर आपका 29 और जिंक 30। तो ये मैंने आपको बताया 21 to 30, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकोजन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको बताया एलिमेंट्स के सिंबल विद देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलेगा, अब जरा हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं वन बाय वन। कैसे करना है हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हमने कौन सा एलिमेंट उठाया? स्कैंडियम। तो चलिएगा जरा स्कैंडियम का देखिएगा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 21। कितना होता है बच्चे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपका? 21। तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 21 एटॉमिक नंबर है आपका। क्या लिखेंगे आप? इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो आपकी आर्गन होती है, आर्गन 18। आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है फिर 3d में, 18 हो गए तो 2 आपके 4s में 20, और ये 3d में कितना गया? 1। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, then 3d1। ये देख लीजिएगा, तो आपको पता है इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसका होता है बच्चों? आर्गन का। तो इसकी जगह आप आर्गन लिख सकते हैं, 3d1, 4s2। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बच्चों आप? स्कैंडियम का, आर्गन 18, 3d1, 4s2। क्लियर हो गया? स्कैंडियम के बाद जैसे हम सेकंड एलिमेंट उठाते हैं, दैट इज टाइटेनियम, 22। तो आपको पता है क्या लिखेंगे आप? आर्गन 18, 3d, देखो बेटा 22 मीन्स 2 है लास्ट, तो 3d2, देन यू विल राइट 4s2। नेक्स्ट देखिएगा, टाइटेनियम के बाद आपका कौन सा एलिमेंट आता है? वेनेडियम। चलिए वेनेडियम के बारे में देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 23। क्या लिखेंगे वेनेडियम के केस में आपका? बताइएगा, आर्गन 18, यहाँ आपका कितना हो गया यहाँ पर? 3d3, 4s2। वेनेडियम के बाद आपका नेक्स्ट क्रोमियम देख लीजिएगा। क्रोमियम के ऊपर मैं स्टार लगा रही हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा बेटा थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। आर्गन 18 आप लिखेंगे यहाँ पर, 3d ध्यान से देखिएगा बेटा, 3d5, 4s1, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। इसको मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन आप लिख लीजिएगा एक बार। ये आपका क्रोमियम का हुआ। क्रोमियम के बाद अगर हम बात करें किसकी बच्चों? मैग्नीज की। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। ये क्रोमियम का कितना था? 24। तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल वही कॉन्सेप्ट आपका, आर्गन 18, 5 है लास्ट, तो 3d5, देन दैट इज 4s2। Mn के बाद नेक्स्ट आपका एलिमेंट कौन सा आता है बच्चों? आयरन, दैट इज Fe, एटॉमिक नंबर इज 26। क्या लिखेंगे आप इसको? आर्गन 18, 3d6 एंड 4s2, 3d6 एंड 4s2, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, 26। देन हम डिस्कस कर रहे हैं कोबाल्ट के बारे में, एटॉमिक नंबर होता है 27। कोबाल्ट का आपका क्या होता है बेटा? आर्गन 18, व्हाट वी कैन राइट? 3d7, 4s2।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? निकिल। निकिल का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 28। तो व्हाट यू कैन राइट 28 को आर्गन 18, 3D8, देन 4S2। निकिल के बाद आपका नेक्स्ट क्या है? कॉपर। कॉपर अगेन एक एक्सेप्शनल केस है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा ये। कॉपर अगेन एक एक्सेप्शनल केस है। हम क्या लिखेंगे कॉपर के केस में? आपका आर्गन अगेन 18, लेकिन 3D9 नहीं यहां पर होगा। देखो 9 है लेकिन 9 नहीं, 3D10 एंड 4S1। 3D10 एंड 4S1। लास्ट है आपका जिंक, एटॉमिक नंबर इज 30। तो आपका सिंपल वही जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, आर्गन 18, 3D10 एंड देन 4S2। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की बच्चों, क्या है कि जो आपका क्रोमियम और कॉपर हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। ऐसा क्या है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्यों सही नहीं आ रहा है? तो इसके बारे में देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको आगे बता रही हूँ। ये मैं यहाँ पर क्रोमियम ले रही हूँ आपको, और ये आपके पास कॉपर ले रही हूँ। तो देखिएगा, पहले मैं क्रोमियम का जो एक्चुअल में होना चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। आर्गन 18, आप क्या कहेंगे? 3D9 एंड 4S2। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसके बाद मैंने आपका लिखा जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कि आपका आर्गन जो हम यूज़ करते हैं, आर्गन 18, 3D10 एंड देन 4S1। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन बता के बता रही हूँ। ये D4 है, दिस इज़ D5। तो देखिएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 4। तो ये आपने डी ऑर्बिटल बनाया, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ये 3D और ये आपका हमने क्या बना लिया बच्चों? 4S। तो देखिएगा, D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने हैं स्टूडेंट्स? 4। देखिएगा, ये मैंने 1 by 1 फिल कर दिया, 1, 2, 3 एंड देन 4। और 4S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास? 2 हैं। अगर हम D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिएगा, D5 में 1, 2, 3, 4। D5 कॉन्फ़िगरेशन में आपके D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए बच्चों। और ये आपका 4S है, 4S में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1। तो ये D4, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप दोनों कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि D5 कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर सिमेट्रिक, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर सिमेट्रिक एज कम्पेयर टू D4 कॉन्फ़िगरेशन। और जहाँ पर सिमेट्री ज़्यादा होती है वहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है बच्चों। जहाँ सिमेट्री ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है उसके? D4 की D5। तो आप चेक कर रहे हैं कि D5 कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू D4। तो हम कहेंगे कि D5 कॉन्फ़िगरेशन आपका राइट है। किसके लिए? क्रोमियम के लिए। तो क्या लिखेंगे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18, 3D, क्या लिखेंगे आप जल्दी से बताइएगा? आर्गन 18, 3D5, देख लीजिएगा बच्चों, आर्गन 18, 3D5 एंड 4S1। तो आपने ऑब्जर्व किया कि D4 कॉन्फ़िगरेशन के बजाय आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू सिमेट्री। बाद में मैं आपको समझाऊंगी, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा बेटा, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, ठीक है? तो दिस इज द D5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इज ऑलवेज स्टेबल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलेगा। तो ये तो क्रोमियम के बारे में बात हुई, ये तो हो गया क्रोमियम का आपका राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है। अब आप क्रोमियम के बाद किसकी बात करते हैं? कॉपर की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। होना आपका क्या चाहिए? आर्गन 18, हम कहते हैं 3D9, 4S2। ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था कॉपर के लिए। लेकिन कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का? आर्गन आपका 18, क्या लिखेंगे आप? 3D10, 4S1। ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का जो है वो राइट कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो चलेगा, मैं यहाँ आपके सामने D9 और ये D10 दोनों कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ, देख लीजिएगा। D9 में आपका क्या होगा बच्चों? ये 1, 2, 3, 4। आपके D में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। और ये आपका 4S में, सॉरी बेटा, ये आपका D10 बना देती हूँ इसको मैं। ये देखो, ये D10 कर दिया मैंने, ये D9, ये 10 हो गए और 4S में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम D9 कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों बात करें, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 बन गए आपके, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और ये 4s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़्यादा सिमेट्रिक दिख रहा है। जहाँ देखो यहाँ पूरे फुल फिल है, देन हाफ फिल्ड। यहाँ पर ना ये देखो, ये तो आपका ये क्या है आपका, ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है आपका, ठीक है कि नहीं। आपका जो डी का कॉन्फ़िगरेशन है, और D10 में आप देख रहे हैं कि डी आपका फुल फिल्ड है। तो आपको पता है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, व्हाई? ड्यू टू सिमेट्री। ज़्यादा सिमेट्री होती है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। दैट्स व्हाई D10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू D9। तो हम कहेंगे कि कॉपर जो है वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका कहाँ जाता है बच्चों? 3d में। और आपका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का हो जाता है 3d10 4s1। क्या हो जाता है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन? 3d10 4s1। क्लियर हो गया बेटा मैं क्या बता रही हूँ? प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैंने आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बाकी सारे एलिमेंट के 21 to 30 एटॉमिक नंबर क्लियर कर दिया है। ये दो आपके एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं। अब देखो बेटा, अब अगली हेडिंग में आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्या है हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अगर हमारे पास आयंस हैं तो हम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्लीज़ जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप इस बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस में जैसे सबसे पहले आपने ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ मैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो आप लिखेंगे 1s1। पर अगर आपको मैं कहूं कि लिखो हाइड्रोजन आयन का कॉन्फ़िगरेशन, एच पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन, तो प्लस चार्ज का मतलब बेटा हाइड्रोजन ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तब उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इट मींस एक इलेक्ट्रॉन तो था ही हाइड्रोजन के पास, तो एक को रिमूव कर दिया, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s0। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको कोई भी और एलिमेंट उठा लेती हूँ, देखिएगा जैसे आपने यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा बेटा एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7। क्या लिखेंगे आप? 1s2 2s2 2p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब मैंने कहा नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो एटॉमिक नंबर तो 7 ही है, ठीक है कि नहीं। लेकिन 3 नेगेटिव आयंस का मतलब नाइट्रोजन ने 3 नाइट्रोजन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नाइट्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो गया है, N3 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए, मींस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो 1s2 2s2, तो 7 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 थे बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2p में 3 थे, 3 और ऐड हो गए, तो 2p में आपके बन जाएंगे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 2s2 2p6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयंस। आगे नेक्स्ट ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे मैं लिखूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 होता है, क्या बोलेंगे आप? 1s2 2s2 2p4। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऑक्सीजन आयन, तो ऑक्सीजन आयन मींस जैसे मैंने O2 नेगेटिव आयंस बनाए, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p। कितने हैं आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज किया है। तो 2 नेगेटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो 1s2 2s2 आपका 2p में कितने हो जाएंगे टोटल? 6। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बन गया बेटा क्या? 1s2 2s2 2p6। क्लियर हो रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 1s2 2s2 2p6। ये मैंने बता दिया आपको O2 नेगेटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद में आप जैसे Cl नेगेटिव लेते, या क्लोरीन ले लो, फिर मैं आपको क्लोरीन नेगेटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिएगा बेटा, 6 और 4 10 हो गए, 17 है आपके पास, 3s2। आप कहेंगे 3p5, ये आपके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी है आपने डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। अब Cl नेगेटिव मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चों 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन मींस आप क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो 3p में अभी तक 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3p में टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का और आयंस का।
आयंस पे डिपेंड करता है चार्ज कौन सा, पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन है तो उतने इलेक्ट्रॉन आपके लूज हो जाएंगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव आयन है तो बेटा उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा, उतने इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ कैसे बनाते हैं हम ये सारी चीज़ें। चलिएगा अब आगे देख लीजिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, जैसे और कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊं, जैसे सपोज करो आपने लिखना है सल्फर का, किसका लिखना है आपने सल्फर का, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। तो ऑक्सीजन के नीचे आपका सल्फर होता है, कितना होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता है 16 होता है, क्या लिखेंगे आप बताएं, 1s2 2s2 2p6 3s2, ध्यान दीजिएगा बेटा 3p में कितने हो जाएंगे आपके 4, ये देख लीजिएगा 2 2 4 6 10 2 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके पास 16। अब अगर आपको कहा जाए S2 नेगेटिव आयन का लिखो, तो आपका एटॉमिक नंबर तो 16 ही है, 2 ऐड हो गए मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या मेंशन करेंगे बच्चों, 1s2 2s2 2p6, देन आप क्या कहेंगे 3s2, 3p में आपके 4 थे 2 गेन कर लिए, देन दिस इज 3p6। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका बताया बच्चों मैंने आपको, एटम का और आयंस का। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम का और आयंस का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है आपका बेटा इस यूनिट का, इसलिए प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैं सपोज कीजिए आपको कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे स्कैंडियम आपने लिया था 21 है बच्चों, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा इसका कॉन्फ़िगरेशन, अभी आपको लिखना बताया था आर्गन 18 3d1 एंड 4s2। अब आपसे मैंने कहा है कि लिखो स्कैंडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन, 3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन, तो 21 एटॉमिक नंबर मींस आपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो टोटल कितने रह जाएंगे स्कैंडियम के पास, 21 में से 3 आपने माइनस कर दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन मींस आप देखिएगा आर्गन 18। अब देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बेटा 4s में से रिमूव होते हैं, फिर 3d में से एंटर भी पहले इलेक्ट्रॉन 4s में करता है, और रिमूव भी इलेक्ट्रॉन कहां से होता है पहले बच्चे 4s में से। तो आर्गन 18 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s में से और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3d में से रिमूव हो जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सिर्फ रह जाएगा आर्गन 18 किसका, स्कैंडियम 3+ का। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा मैग्नीज, दैट इज Mn, Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, क्या लिखेंगे बच्चों आप, आर्गन 18 3d5, ध्यान से देखिएगा बेटा 4s2, ये आपका मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने कहा बच्चों राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज आयन, तो 25 है मींस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आर्गन 18, ध्यान से सुनिएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आपके पहले किस में से रिमूव बताए मैंने 4s में से, किस में से रिमूव करने हैं 4s में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने 4s में से रिमूव कर दिए, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा आर्गन 18 3d5, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन। इसी तरह से आप कोबाल्ट ले सकते हैं, 27 एटॉमिक नंबर है, तो मैंने कहा क्या लिखेंगे आप आर्गन 18, अभी आपको समझाया था 3d7 4s2। अब आपसे कहा जाए कोबाल्ट 3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो 3+ का मतलब 27 में से आपने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो देखिएगा आर्गन 18, ध्यान दीजिएगा 2 आपके 4s में से रिमूव हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3d में से रिमूव हो गया, तो आप लिखेंगे आर्गन 18 3d6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन। बेटा कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए पहले कोबाल्ट का लिखें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कोबाल्ट 3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से हर बच्चे को आना चाहिए, तभी आप आगे के और क्वेश्चन जो है उनको कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा Zn एटॉमिक नंबर 30, क्या लिखेंगे आप बताएं, आर्गन 18, क्या लिखा आपने बताइएगा बेटा 3d10, और आगे आप लिखेंगे क्या 4s2। अब मैंने कहा बेटा जिंक 2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक नंबर तो 30 है, 2 रिमूव हो गए तो 28। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ से रिमूव होंगे बेटा, मैंने पहले ही कहा इलेक्ट्रॉन आपका एंटर भी आपका 4s में पहले करता है, और रिमूव करते टाइम आउटर मोस्ट शेल देखी जाती है, तो आउटर मोस्ट शेल बच्चों आपकी 4s है इसमें,
ठीक है, तो यहाँ से आपका पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो यहाँ पर आपके अगर दो इलेक्ट्रॉन 4s में से रिमूव हो गए तो आपका कॉन्फिग्रेशन रह जाएगा आर्गन 18 3d 10। तो ये बेटा मैंने आपको कुछ जो है पहले एटम्स का कॉन्फिग्रेशन बताया, कुछ आयंस का देख लीजिएगा, ये आप हर बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्फिग्रेशन आएगा, ये आपको थर्ड यूनिट में भी हेल्पफुल होगा, फोर्थ यूनिट में भी हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, ये केमिस्ट्री का बेसिक है बच्चों, ये हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए प्लीज़। ये देखिएगा जैसे मैं एफ ई बताऊँ आपको, एक और देख लीजिएगा एग्जाम्पल, एफ ई 26 होता है, आप क्या लिखते हैं, आर्गन 18 3d6 4s2। ठीक है, अब आपको सपोज करो लिखा जाता है एफ ई 2+ का, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ ई 2+ आयंस, तो आर्गन 18 बताएं कहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव होंगे 4s में से, तो आपके 3d क्या रह जाएगा बच्चों 6। अब देखिएगा मैंने लिखा एफ ई 3+ का कॉन्फिग्रेशन बताएं, तो एटॉमिक नंबर तो 26 ही है, तीन इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव कर दिया है तो 23 रह गए, तो आप लिखेंगे आर्गन 18, ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से, 3d6। आपने देखिएगा ये एफ ही है, पहले दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 3d6, अब आपको तीन रिमूव करने हैं तो दो आपके 4s में से एक आपका 3d में से रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेटा क्या 3d5, आर्गन 18 3d5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ ई 3+ आयंस। ये हर एक बच्चे को कॉन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से आना जरूरी है बच्चे, प्लीज़ इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स।